अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अमन मुस्लिम व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ससुराल वालों की स्पेशल और जो वर्ल्ड फेमस डिश है वो वाली शेयर करने वाली हूँ मैं। तो ये वीडियो मैंने ना सुबह सुबह से स्टार्ट किया था, 6:30 बजे से। ये मैं मेरे बेटे का नाश्ता टिफ़िन वगैरह रेडी करने के लिए आई हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये नाश्ता ही बताऊँगी। तो आज मैं अपने बेटे के टिफ़िन में बना रही हूँ आलू पराठा, और उसको नाश्ते में भी यही दूँगी, चाय, अंडा और आलू पराठा। तो मैंने बटाटे हैं ना रात को ही बॉईल कर लिए थे, तो अब ये सुबह में उठ के मैं ना उसका जो बनाती हूँ ना मैरिनेट जो करते हैं हम, तो वो मैं बना रही हूँ। मैंने एक पैन लिया है, पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल डालने के बाद इसमें ज़ीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है। ये मैं प्लेन ही रखती हूँ, अगर आप चाहिए ना तो इसमें मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा मसाले नहीं खाते तो इसलिए नहीं डालती मैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी की बुकी थोड़े अच्छे कलर के लिए, क्योंकि और अच्छा लगता है, कलर वाला होता है ना तो अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भुनना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से, जितना हो बटाटे उतने ही। तो मेरे पास 5 से 6 बटाटे थे, उन्हीं हिसाब से मैंने डाला है इसमें। और ये बटाटों को मैंने थोड़ा हाथ से ना मसल लिया था कि थोड़े अच्छे से जल्द हो जाए ये काम। तो ये अब मैं चम्मच से अलट पलट कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी बटाटों को। तो ये थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो ये मैंने ना मैशर ले लिया है, तो इससे अच्छे से प्रेस कर करके ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चों को है ना मिर्ची वगैरह की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं डालती। और जब हम लोग आलू पराठा खाते हैं ना, तो तब मैं अपने लिए काट कर डाल लेती हूँ, अपने लिए या फिर हस्बैंड के लिए। तो ये रेडी था, तो ये अब मैंने ना आटा रात को ही गून के रखती हूँ मैं हमेशा, जिससे कहना मुझे सुबह उठकर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। तो इसलिए मैं ना रात को ये आटा गूंद के रख लेती हूँ और थोड़े आधे काम कर लेती हूँ, बाकी काम नेक्स्ट मॉर्निंग करती हूँ। तो ये जिस तरीके से हम रोटी का आटा लेते हैं और जो बटाटे का मिक्सचर बनाया था उसको छोटे छोटे बॉल्स ये आटे के ऊपर रख लेते हैं और फिर उसके एक बड़ा सा बोल बनाते हैं, पेड़ा बन जाता है। तो फिर इसको हमें आसानी से बेलना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, आप सभी बनाते ही होंगे अपने घरों में। तो बस इसको है ना मैं सेक लूँगी, अलट पलट कर लूँगी और तेल थोड़ा थोड़ा हर एक साइड पे डालूँगी, दोनों साइड पर तेल डाल के। ये अभी मैं फ़िलहाल है ना झटपट उसका नाश्ता रेडी कर रही हूँ, क्योंकि है ना नाश्ता सबसे पहले दे देती हूँ ना तो थोड़ी है ना वो कम हो जाती है स्ट्रेस के, है ना टिफ़िन अभी देना है और नाश्ता भी देना है, तो इसलिए सबसे पहले मैं नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद टिफ़िन का काम चालू करती हूँ। तो मेरे बेटे को है ना आलू के पराठे चाहिए थे, तो मैंने टिफ़िन में भी आलू के पराठे ही दिए उसे, और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले जाता है तो इसलिए अब मैं ना ज़्यादा ये नहीं दे रही हूँ खाना वगैरह। तो ये माशाल्लाह से बनके मेरे आलू के पराठे रेडी थे, ये पूरी तरह से रेडी थे। तो मैंने अपने बेटे को ना नाश्ता वगैरह भी दे दिया था, अब इसका मैं टिफ़िन पैक करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये मैंने है ना मेरे बेटे को टिफ़िन में है ना 2 आलू के पराठे दिए हैं, वरना तो मैं 3 देती हूँ। उसने ही कहा था मम्मा मुझे 2 आलू के पराठे देना। और सॉस जो होता है ना मेरा बेटा नीचे से ख़रीद लेता है, जो पाउच वगैरह आते हैं ना वो वाले सॉस ले लेता है, तो उससे यूज़ हो जाता है अच्छे से, घर वाला सॉस नहीं लेके जाता है इन आलू पराठों के साथ वो। तो ये माशाल्लाह से मेरे बेटे का टिफ़िन रेडी है, और उसको है ना चला गया था वो, उसकी वैन आ गई थी तो वो चला गया था। तो ये है ना थोड़ा सा ना दोपहर का टाइम हुआ था, तो है ना अब मैं अपने कपड़े सीने आई हूँ, ये बहुत दिन से कटे हुए रखे थे, मगर है ना मुझे इतना वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं सीऊँ। और ये मैंने एक और कपड़ा लिया है, इसका मुझे टॉप सीना है, तो इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है कि कपड़े भी सीऊँ और थोड़ा घर को भी देखूँ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जितना वक्त मिलता रहता है उतना मैं करती रहती हूँ। तो बस मैंने सोचा अब ये ड्रेस मैं पूरा कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह जब ये ड्रेस पूरा कर लूँगी ना तो तब आपको मैं दिखाऊँगी कि ये मेरा ड्रेस मैंने कैसे रेडी किया है। तो ये कॉटन का ड्रेस है, मुझे है ना घर में कॉटन के कपड़े पहनना बहुत पसंद है, और ये मुझे आजकल है ना थोड़ा लेस का शौक चढ़ा है, तो ये मैं अपने हर ड्रेस पे अब लेस लगाने लगी हूँ। तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है लेस, ज़्यादा ऐसे भाग दौड़ भी नहीं होती है। तो पहले मैं अपने ड्रेस टेलर को दिया करती थी, तो टेलर है ना ड्रेस मेरे ख़राब करके देने लगे, तो इसलिए है ना मैं खुद ही सी रही हूँ, तो इसलिए ना खुद के सिले हुए ना अच्छे लगते हैं मुझे ज़्यादा, वरना तो हर टेलर को दो और हर टेलर अलग ही तरीके का सीके देता है। तो पहले मैं अपने हाथ से ही सिया करती थी, तो उसी की मुझे आदत है, तो इसलिए मुझे टेलरों के हाथ का जमता नहीं है। तो अब ये मैं फिर से अपने कपड़े अपने घर में सीने लगी हूँ, तो बस अब ये है ना इंशाल्लाह ये मेरा ड्रेस रेडी होने वाला है। ये मैंने जब आपको दिखाया था ना तो ये मैं आस्तीन वगैरह रेडी कर रही थी इसकी, तो ये मैंने ना एक आस्तीन पर ये लेस लगा ली थी, अच्छा लगता है लेस लगकर।
तो अब ये देखिए हमारे यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है मुंबई में, बहुत बारिश है, बहुत तूफ़ानी बारिश है। तो प्लीज़ कहीं आइए जाइए मत, आप लोग घर में ही रहें। तो अब ये देखिए मैं आ गई हूँ मेन डिश पर। ये है ना मेरे ससुराल वालों की बेस्ट डिश है, वो लोगों के यहाँ शादी में, हकीके में, बस कोई भी खुशी की बात हो, कुछ भी हो ना, तो उन लोगों के घर में ये बनते हैं उड़द चावल। तो ये मैंने उड़द लिए हैं, 200 ग्राम ये उड़द है। तो इनको अब पानी में मुझे भिगा के रखना है, 2 से 3 घंटे के लिए भिगा लेंगे ना तो भी चलेगा, वरना तो आधा पौना घंटे में भी भिगाएंगे तो भी चलेगा। तो अब मैंने ना इसको भिगा लिया है, तो इसको मुझे है ना रात को बनाना था। तो अब मैं है ना इसका मसाला करने के लिए आई हूँ। तो इसमें मैंने है ना 3 से 4 कांदे लिए थे, मीडियम साइज़ के ही, एक बड़ा वाला कांदा था और कुछ छोटे थे। तो ये मेरी ससुराल वाले हैं ना, ये खाने को बहुत बड़ा मानते हैं और ये टेस्टी भी होता है, वो लोगों को बहुत पसंद है। तो सेम मैं वैसे ही बना रही हूँ जैसे मेरे ससुराल वाले बनाते हैं, मेरी सास बनाया करती थी, तो मैं सेम वैसे ही बना रही हूँ। तो मैंने बहुत दिन से ना सोच रखा था कि आप लोगों को मेरे ससुराल वालों की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही ईजी बनता है और टेस्टी बहुत ज़्यादा बनता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मैंने कुछ हरी मिर्ची ली है और ये 3 मीडियम साइज़ के है ना कांदे लिए थे, सारे मैं इसमें डाल लूँगी और पीस लूँगी। और ये डिश जो है ना, ये एक यूपी की डिश है, यूपी में ये खाना बहुत बनता है, यूपी वालों की है ना ये फेवरेट डिश होती है। तो ये अदरक लिया है मैंने 2 इंच के करीब का, तो अदरक भी इसमें मैं डाल लूँगी। और ये लहसुन है, और ये लहसुन भी इसमें मुझे डाल लेना है। एक पूरी अक्खी डली ली थी मैंने लहसुन की, थोड़ा मोटा लहसुन था, थोड़ा ज़्यादा था। तो इनको सबको ना मसालों को एक साथ पीस लेना है। तो ये सारे मसाले मैंने है ना पीस के रख लिए थे साइड में, और साइड में मैंने गोश्त भी है ना भिगा के रख दिया था जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। और आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये गोश्त बकराईद का नहीं है, बकराईद का गोश्त हमारे यहाँ पे बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कुछ लेडीज़ थी उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि अभी तक बकराईद का गोश्त आप लोग चला रहे हो, तो ये बकराईद का गोश्त नहीं है। तो इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है गोश में, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं, और जो मसाला मैंने पीसा था ना वो आधा से ज़्यादा मसाला इसमें मैं डालूंगी, और जो मसाला बच जाएगा उसका बाद में यूज़ आएगा, यूज़ करना है उसको बाद में। तो आधे से ज़्यादा मसाला इसमें मैंने डाल लिया है, बस थोड़ा बचाया है। अब इसमें थोड़े से गरम मसाले डालूंगी। वैसे तो मेरी ससुराल में गरम मसाले मेरी सास बिल्कुल नहीं डाला करती थी, बिल्कुल नहीं डालती थी, उन्हें पसंद ही नहीं था। जब मैं गरम मसाले वगैरह डालती थी ना तो वो बोलती थी ये क्या है, मसाले हमें नहीं अच्छे लगते। तो मगर मैं मेरे घर में बना रही तो मैं डालती हूँ। मैंने इसमें लौंग डाली, काली मिर्च डाली, और बड़ी काली इलायची डाली है, और तेज़पत्ते डाले हैं, और इसमें लाल मिर्ची की बुक्की डाल रही हूँ मैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से, और हल्दी डाली है मैंने 1/2 पौना चम्मच के करीब, और ये धनिया की बुक्की डालूंगी मैं 2 से 2.5 चम्मच भर के, ये धनिया की बुक्की डालनी है। ये मेरे घर का पीसा हुआ धनिया है तो मैं अपने घर में पीस के रखती हूँ, और नमक डालना है टेस्ट के हिसाब से, और फिर है ना इस गोश्त को है ना अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैंने डाला है मीट मसाला, और इसको मैं डाला है मैंने तेल, तेल ये ख़त्म हो गया था तो फिर से मैंने दूसरा निकाला है, वापस इसमें तेल डाला है। इन सब खानों में ना तेल अच्छे होते हैं, अच्छे से डालना होता है, ज़्यादा तेल डालते हैं तो टेस्ट भी और अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को डाल करना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद इसको है ना ढक्कन लगा के चढ़ा देना है 3 से 4 सीटी में। मैं ना मेरी सास को बोला करती थी कि ये क्या हर वक्त तुम लोग बनाते रहते हो। तो मेरी सास कहती थी कि जब हम लोगों को ये पसंद है तो यही बनाएंगे। तो फिर मैंने भी बोलने लगी हाँ चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो अब मैं मेरे घर में बनाती हूँ, मेरे बच्चों को भी पसंद है तो इसलिए अच्छा भी लगता है, ये ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो इसको 3 से 4 सीटी में ना मैं चेक कर लूँगी। गोश है ना कभी कभार ऐसा होता है ना कि जल्दी गल जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि लेट गलता है, तो इसलिए है ना मैं बार बार चेक करते रहती हूँ, 1 से 2 बार चेक कर लेती हूँ। जब पूरी तरह से प्रॉपर मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जिस तरीके का गोश खाते हैं उस तरीके का होता है, तब जाके मैं इसको डन करती हूँ। तो ये मसाला तो अच्छे से भून गया था पूरा, बस ये ना इसमें है ना मैंने गोश्त चेक किया ना तो गोश्त पूरी तरीके से नहीं गला था जैसे मेरी फैमिली वाले खाते हैं, वरना तो कुछ कुछ लोग ऐसे ही गोश्त खाते हैं कि खींचे गोश्त या फिर एकदम ही सॉफ्ट खाते हैं, तो ये गोश्त नहीं गला था। तो वापस से इसको मैंने 1-2 सीटी और दी थी गोश्त गलाने के लिए कि अच्छे से गल जाए। तो ये गोश्त वापस से मैंने ढक के कुकर को लगा दिया था। तो अब ये है ना गोश्त चेक किया मैंने तो ये अच्छे से भून चुका था।
अच्छे से भून भी चुका था और गोश्त भी अच्छे से गल गया था, तो बस अभी इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं था। यह ना बहुत ही इजी रेसिपी बन जाती है, बहुत ही सिंपल होती है, बहुत अच्छी भी लगती है, सच में बहुत टेस्टी बनती है। और पता नहीं मैं प्रॉपर बना पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने जैसे अपनी सास को देखा है वैसे ही मैं सेम टू सेम बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी आती है बनानी और अगर आपको कुछ ऐसा लगा है इसमें कि कुछ कम था या कुछ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो ये जो मैंने गोश्त भून लिया है ना, तो इसको एक बाउल में निकाल लूँगी मैं। तो ये है ना मैंने ढक के रख दिया है साइड में। तो अब ये जो कुकर है ना, इसी कुकर में हमें है ना उड़द को गलाना है। इस कुकर को मैंने धोया नहीं है, तो इसी में हमें गलाना है। ये जो उड़द मैंने भिगाए थे, साफ़ करे थे, साफ़ करने के बाद मैंने इसको उड़द को भिगाया था। तो अब इसमें पानी डाल लेना है। ये 200 ग्राम उड़द थे, अखा उड़द। इसमें मैं है ना दो बाउल भर के इसमें मैं पानी डाल लूँगी। और जो मसाला था ना जो मैंने बचाया था, वो इसमें डालना है हमें मसाला। इसमें डालने से ना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छे बन जाते हैं ये उड़द चावल, बहुत अच्छे लगते हैं। ये है ना मेरे ससुराल वालों की बहुत बहुत फेवरेट डिश है, बहुत फेवरेट डिश है। तो ये अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की डाली है मैंने, और ये है धनिया की बुक्की, और थोड़ा सा तेल डाला है जिससे कि है ना उड़द बाहर ना निकले, उसका पानी वगैरह बाहर ना आए। अब इसको है ना हमें अच्छे से चम्मच चला लेना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है हमें। और मैंने नमक इसमें पहले डाल लिया था, उस टाइम पे कैमरा ऑफ था तो नहीं दिख रहा है इसमें। तो बस इसको है ना 4 से 5 सीटें में मैं चेक करूँगी। इसको भी है ना मैं बार बार चेक करती हूँ, क्योंकि है ना नीचे ना जल जाए, बस मुझे है ना उस बात का ख़तरा रहता है और कोई बात का डर नहीं रहता, तो इसलिए मैं बार बार चेक करते रहती हूँ। तो इसीलिए ना मेरे घर में खाने वगैरह माशाल्लाह से जलते नहीं है, तो मेरा पूरा ध्यान ना खाने वगैरह में ही रहता है कि जल तो नहीं गया या ओवर कुक तो नहीं हो गया, तो इसीलिए मेरे खाने माशाल्लाह जलते नहीं है। तो अब मैं ये आई हूँ उड़द को चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को ही आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ये बना लेती हूँ और आप लोगों को भी बता दूँगी मेरे ससुराल वालों की बेस्ट रेसिपी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए ये उड़द ना अच्छी तरीके से गल चुके थे, तो ये मेरे पास दाल घोटनी है, तो इसको मैं अच्छे से घोट लूँगी, अच्छे से खूब घोटना होगा इसे हमें, एकदम भी पेस्ट नहीं बनाना होता है, बस अच्छे से घोटना होता है कि जिससे कि अच्छे से घुट जाए और थोड़ी थोड़ी दाल भी बची रहे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने है ना पूरा अच्छी तरीके से इसको घोट लिया था, एकदम अच्छे से घोट लिया था। मेरे ससुराल में कैसा होता है ना, चावल वगैरह कम लेते हैं और ये जो उड़द है ना एकदम ज़्यादा लेते हैं, जैसे थोड़े से चावल हैं और उसके ऊपर से ना खूब ये उड़द पूरे अच्छे से भर लेते हैं पूरा। तो अब मैंने ये अच्छे से घोट लिया था। अब ये है ना गोश्त का जो मसाला भुना रखा था ना मैंने, अब वो सारा इसमें मैं डाल लूँगी। तो ये मैंने इसमें डाल लिया है, उसी बाउल में थोड़ा मैंने पानी डाला है। तो अब इसको मैं है ना चम्मच चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अच्छे से मिक्स करना है। इस टाइम पे ना आप हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं, अगर आपकी फ़ैमिली में अच्छे से हरी मिर्ची काट के खाते हैं, शौक़ है मिर्चियों का, तो वो लोग डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चे तो नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं डालती, और मुझे भी नुकसान देता है मिर्ची वगैरह, तो इसलिए मैं थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ अब ये सब चीज़ों से। तो मैंने ना अच्छे से पानी डाल लिया है, इसमें मैंने पानी ज़्यादा डाला है। ये है ना अभी इसको मैं पकाने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये जब पकता रहेगा ना तो ये थोड़ा और घट हो जाएगा, थोड़ा और थिक हो जाएगा। अब इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, ऊपर से पाउडर गरम मसाला डाला है, और अखा गरम मसाला भी मैंने इसमें डाला था। अब ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है गरम मसाला डालने के बाद। अब ये मैं नमक डाल रही हूँ, मैंने नमक टेस्ट किया था तो थोड़ा सा नमक कम लगा था, क्योंकि हस्बैंड मेरे थोड़ा चटकीला नमक खाते हैं, थोड़ा तेज़ नमक खाते हैं। तो अब इसको मैंने ना साइड में रख दिया है, ये धीमी आँच पर ना पकता रहेगा अभी। तो अब ये मैं आई हूँ कोथमीर निकालने के लिए, क्योंकि जब मैंने नहीं निकाला था, बाहर निकाल के रख लो ना तो वो थोड़ा सा डल हो जाता है, तो इसलिए ना फ्रिज में है ना फ्रेश रहता है। तो अब ये मैंने ना कोथमीर बारीक काट के इसमें डाल लेना है हमें। कोथमीर बहुत ज़्यादा डालते हैं, ऊपर से भी डालते हैं, जब पकता रहता है तब भी डालते हैं, तो जाके है ना थोड़ा और अच्छा टेस्ट आ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये कोथमीर अब इसके ऊपर मैंने डाल लिया है। तो ये माशाल्लाह से पूरी तरीके से रेडी है, इसमें अब और कुछ भी काम नहीं है फ्रेंड्स। बस इसको अच्छे से मैं चम्मच चला लूँगी जिससे कि ना कोथमीर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको पकने के लिए ही दूँगी, ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है हमें।
बस ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना, थिक हो जाता है थोड़ा, तो जब रेडी हो जाता है। तो अब ये मैं आई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोटी ही खाते हैं ज़्यादा, और मेरे बेटा भी रोटी खाता है, मेरी बेटी भी रोटी खाती है, तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी रोटियाँ अपनी रेडी कर लेती हूँ कि जिससे क्या ना प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये बस मेरी रोटियां भी माशाल्लाह से मैं जल्दी जल्दी अपनी बना लूँगी। तो इसीलिए मुझे है ना ये जो खाने होते हैं ना मेरी ससुराल के, इसलिए मुझे है ना हार्ड नहीं पड़ते हैं, तो इसीलिए ना मैं झटपट ये खाने बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी पूरी। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी शेयर करती रहूँगी फ्रेंड्स। तो अब ये है ना उड़द गोश्त बन के रेडी था, तो अब मैं ये एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये मैं है ना जितना ये बाउल में आता है उतना निकाल लूँगी। तो ये माशाल्लाह से ये उड़द गोश्त बन के रेडी था। इसको कहते हैं उड़द चावल भी कहते हैं, जब हम चावलों के साथ खाते हैं तो ये उड़द चावल हो जाता है, मगर होता बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा, प्लीज़ ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे बना, अगर आप लोग ने मेरे तरीके से बनाया तो। तो अब ये हस्बैंड आ चुके थे और मेरा बेटा पढ़ रहा था, बच्चे भी मेरे खाना वगैरह खा चुके थे, तो ये हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे तो उनको मैंने दिया था ये खाना उनका। ये जब बनता है ना उड़द गोश्त, इसमें है ना चावल ज़्यादा ज़रूरी होता है, चावल से ज़्यादा ही खाते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह सब हो चुका था, तो अब मैं ये आई हूँ बर्तन धोने के लिए। ये अपने सारे मैं बर्तन धो लूँगी फ्रेंड्स। ये सुबह से लेकर रात तक का मेरा व्लॉग था, मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि आपको मेरा पूरा वीडियो कैसा लगा है और मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाह एवरीवन।